विधवा जीवन की कठिन राहों से निकलकर उसने चमकाई नई उम्मीद की किरण। उसने सपनों की ऊंचाइयों को छूकर तोड़ी वो हर बाधा जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही थी और फिर लिखी अपनी किस्मत। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही महिला से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिसने अपने जीवन की कहानी को एक अद्भुत मोड़ दिया है। ऐसी महिला जिसने समाज की परंपराओं को चुनौती दी और महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खोले। यह कहानी है भारत की पहली महिला इंजीनियर की। जी हाँ, अय्या लासोम याजुला ललिता की हम बात कर रहे हैं। भारत की पहली महिला इंजीनियर, क्या आप जानते हैं भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन थी? 15 साल की उम्र में शादी, 18 में विधवा। ए ललिता का जीवन संघर्ष से भरपूर था। एक मिडिल क्लास तेलुगु परिवार में जन्मी थी। वहीं उनकी 15 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी। विवाह के महज 3 साल बाद 18 वर्ष की उम्र में ही ललिता एक बच्ची की माँ भी बन गई। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पति का निधन हो गया और 4 महीने की बेटी जिनका नाम था श्यामला, अब पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे, किस तरह से अपना जीवन यापन करे। अब बात करें उस समय की, तो मद्रास में उस समय सती प्रथा का प्रचलन तो नहीं था, लेकिन विधवा को समाज से अलग तरीके से देखा जाता था और विधवा के लिए जीवन जीना बहुत कठिन था। लेकिन फिर भी ललिता ने हार नहीं मानी। समाज के दबावों को नकारते हुए अपनी शिक्षा पूरी करने का फैसला किया और फिर एक ऐसा फैसला किया जिससे ना जाने कितने ही लोग उनकी राहों में कांटे बन गए। लेकिन ललिता ने पीछे कदम नहीं किया। ललिता ने अपना फैसला रखते हुए इंजीनियरिंग की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनकी जिंदगी का एक नया और बेहतरीन मोड़ साबित हुआ और उन्हें भारत की पहली महिला इंजीनियर बनने का अवसर मिला। ललिता के पिता पप्पू सुब्बा राव मद्रास विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उन्होंने कॉलेज के प्रधानाचार्य केसी चाको और पब्लिक इंस्ट्रक्शन के निदेशक आरएम स्थातम के साथ संपर्क किया और उनके समर्थन से ललिता को इस कॉलेज में दाखिला मिला। वहीं आपको बता दें कि यह सीईजी के इतिहास में पहली बार था कि एक महिला को दाखिला मिला। ललिता की बेटी श्यामला का कहना है कि ललिता ने अपने कॉलेज के दिनों में कभी कमजोर महसूस नहीं किया। सैकड़ों लड़कों के बीच अकेली लड़की होने के बावजूद कॉलेज का माहौल सहयोगपूर्ण था। वहां अधिकारियों ने उनके लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था भी की थी। ललिता ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपनी नौकरी शुरू की और अन्य महिलाओं के लिए भी इंजीनियरिंग के रास्ते खोले। अपने पूरे करियर में उन्होंने 2 बात हमेशा ध्यान में रखी, अपनी बेटी की देखभाल प्यार भरे माहौल में करना और एक पुरुष प्रधान समाज में महिला होने के बावजूद किसी भी रुकावट का सामना करना। ए ललिता का जन्म 27 अगस्त 1919 को हुआ था और उन्होंने 12 अक्टूबर 1989 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ललिता के संघर्ष को, जज्बे को देख आज भी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने लंबे समय से चली आ रही बहुत सी बाधाओं को तोड़ा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई महिलाओं के लिए रास्ता बनाया। आज भी उनके इस संघर्ष को याद किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इतिहास के पन्नों में लिखी गई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।